जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार हैं। लद्दाख जैसे हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज पर तैनात करने के लिए इंडियन आर्मी खरीद सकती है 40 और K9 वज्रटी। अगले साल INS विक्रांत के साथ भारत की क्लासिफाइड प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई सबमरीन भी होगी इंडक्ट। लद्दाख में इंडियन आर्मी की टैंक रेजिमेंट्स ने दिखाई अपनी कैपेबिलिटी। पहली बार रक्षा मंत्रालय की तरफ से पेगासस स्पाईवेयर मामले पर आया बयान। और इस साल भारत चीन सीमा पर नहीं हुई है कोई भी घुसपैठ। टॉप मीडिया सोर्सेज के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में इस्तेमाल करने के लिए इंडियन आर्मी K9 वज्रटी सेल्फ प्रोपेल्ड होविट्जर्स की करीब 40 और यूनिट्स को खरीदने की योजना बना रही है। और जब इस साल की शुरुआत में लद्दाख जैसे हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज पर टेस्ट करने के लिए 3 K9 वज्रटी को वहां पर भेजा गया था, तो उस दौरान लद्दाख जैसे क्षेत्र में इन K9 वज्रटी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। और इसी परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए अब इंडियन आर्मी K9 वज्रटी की 40 और यूनिट्स को खरीदने पर विचार कर रही है। और जबकि इस साल फरवरी के महीने में L&T की तरफ से 100 K9 वज्रटी के ऑर्डर्स को ऑलरेडी पूरा कर दिया गया है। हालांकि पहले K9 वज्रटी की 100 से अधिक यूनिट्स को खरीदने की कोई भी योजना नहीं थी, लेकिन अब सीमा पर चीन की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए अब इंडियन आर्मी इसकी करीब 40 और यूनिट्स के लिए ऑर्डर देने की योजना बना रही है। और जबकि DRDO और L&T इसी K9 वज्रटी के ही आधार पर एक लाइट टैंक को भी विकसित कर रही है, और जिसमें K9 वज्रटी के हैवी 155mm की गन को 105mm या फिर 120mm की गन से रिप्लेस किया जाएगा। बाकी जो चेसिस और हल है वो बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन टैंक के वजन को कम करने के लिए लाइटर गन लगाई जाएगी। बाकी जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दें कि जो ये K9 वज्रटी है ये साउथ कोरियन ओरिजिन की K9 थंडर सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी का ही एक इंडियन वेरियंट है, जिसे भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ L&T द्वारा बनाया गया है। बाकी अगर आपको इसके बारे में और भी डिटेल में जानना है तो हमने ऑलरेडी इस पर डेडिकेटेड वीडियो पहले बनाई है, आप उस वीडियो के माध्यम से जानकारी हासिल कर सकते हैं। पूर्वी लद्दाख में इंडियन आर्मी के बैटल टैंक्स द्वारा उनके कैपेबिलिटीज को प्रदर्शित किया गया है, और पूर्वी लद्दाख की लोकेशन पर इंडियन आर्मी के टैंक्स अटैक ऑपरेशंस के प्रैक्टिस करते हुए नजर आए हैं। और जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जब पिछले साल पूर्वी लद्दाख में सीमा पर चीन के साथ विवाद शुरू हुआ था, तो फिर ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के तहत चीन को काउंटर करने के लिए इंडियन आर्मी ने अपने T-72 और T-90 जैसे बैटल टैंक्स के साथ अपने BMP सीरीज के इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स को डेजर्ट और प्लेन एरिया से एक बड़े पैमाने पर हाई ऑल्टीट्यूड लोकेशंस पर तैनात किया था। और इसलिए आर्मी ऑफिशियल का कहना है कि पूर्वी लद्दाख में पिछले साल जो हमारी तैनाती की गई थी, तो उसके बाद से इंडियन आर्मी की जो टैंक रेजिमेंट है उसने -45 डिग्री जैसे टेम्परेचर पर एक्सपीरियंस हासिल किया है, और अब हमने इस तरह के माइनस टेम्परेचर और हार्श टेरेन में भी अपने टैंक्स को ऑपरेट करने के लिए अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को इवॉल्व कर लिया है। और जबकि टैंक ऑपरेशंस को सपोर्ट करने के लिए इंडियन आर्मी द्वारा यहाँ पर कई इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी बनाए गए हैं। और बाकी फिलहाल अभी इश्यू यह है कि जब यहाँ पर एक्सट्रीम विंटर सीजन आएगा तब हमें टैंक्स की मेंटेनेंस पर खास करके ध्यान देना होगा। और अगर हम इस सिचुएशन में भी टैंक्स को मेंटेन कर लेते हैं तो फिर हम इस जगह पर टैंक्स को काफी लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और केवल आर्मी नहीं बल्कि पूर्वी लद्दाख में इंडियन एयरफोर्स ने अपनी एयर ऑपरेशंस की कैपेबिलिटीज को भी अपग्रेड किया है, और अब इंडियन एयरफोर्स सीमा के पास मौजूद उनकी फैसिलिटीज से फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट के ऑपरेशंस की कैपेबिलिटीज को और एक्सपेंड करने पर विचार कर रही है। और यही नहीं बल्कि पूर्वी लद्दाख की कई अलग अलग लोकेशंस पर कुछ और एयरफील्ड्स को विकसित करने के ऑप्शंस पर भी विचार किया जा रहा है, जिनमें दौलत बैकोल्डी, फुकचे और न्योमा जैसी लोकेशंस शामिल हैं। अगले साल भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के साथ इंडियन नेवी की सर्विस में स्वदेशी तौर पर विकसित की गई भारत की दूसरी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन S-3, जिसे INS अरिघट का नाम दिया गया है, इसे भी इंडियन नेवी की सर्विस में कमीशन किया जाएगा। और चूंकि भारत का यह न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन प्रोग्राम एक क्लासिफाइड मिलिट्री प्रोजेक्ट में आता है, तो इसलिए इस दूसरी सबमरीन को भी पहली वाली सबमरीन यानी कि INS अरिहंत की तरह ही काफी डिस्क्रीटली कमीशन किया जाएगा। और जहां तक संभावना है, ये दोनों स्वदेशी प्लेटफॉर्म इंडियन नेवी की सर्विस में अगले साल 15 अगस्त तक कमीशन किए जा सकते हैं। बाकी इसके अलावा सोमवार को रक्षा मंत्रालय की तरफ से राज्यसभा को इस बारे में सूचित किया गया है कि इस साल की शुरुआत से 30 जून 2021 तक भारत पाकिस्तान सीमा पर करीब 33 यानी कि 33 बार घुसपैठ करने के प्रयास किए गए हैं, और जिसमें से 11 घुसपैठियों को ढेर किया गया है और जबकि 20 घुसपैठिये गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं अगर बात करें भारत बांग्लादेश सीमा की, तो वहां पर 441 यानी कि 441 बार घुसपैठ की कोशिशें की गई हैं, और जिसमें एक घुसपैठिये को ढेर किया गया है और करीब 740 यानी कि 740 के आसपास घुसपैठिये गिरफ्तार किए गए हैं। बाकी रही बात भारत नेपाल सीमा की, तो वहां से भी करीब 11 घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है। और जबकि भारत चीन सीमा पर इस साल 30 जून 2021 तक किसी भी तरह के घुसपैठ के मामले सामने नहीं आए हैं। भारत सरकार की तरफ से पहली बार ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट के सामने स्पष्ट किया गया है
कि भारत सरकार ने इजरायली फर्म एनएसओ ग्रुप टेक्नोलॉजीज के साथ किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं किया है, और जिन्हें याद नहीं है उन्हें रिमाइंड करा दें कि ये एनएसओ ग्रुप टेक्नोलॉजीज इजरायल की वही टेक्नोलॉजी फर्म है जिसने पेगासस स्पाईवेयर को विकसित किया है। और आज सोमवार को ही मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस अजय भट्ट की तरफ से राज्यसभा को एक सवाल के जवाब में लिखित रिप्लाई में बताया गया है कि भारतीय रक्षा मंत्रालय ने एनएसओ ग्रुप टेक्नोलॉजीज के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया है, और भारत में पेगासस स्पाईवेयर के इस्तेमाल को लेकर यह भारत सरकार की तरफ से पहला डायरेक्ट और ऑफिशियल रिस्पांस है। यानी कि जो ओपोजिशन पार्टी द्वारा आरोप लगाए गए थे कि भारत सरकार ने इस पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल करके उन पर जासूसी की है, तो उन सभी आरोपों को भारत सरकार की तरफ से खारिज किया गया है और ये स्पष्ट किया गया है कि एनएसओ टेक्नोलॉजीज के साथ हमारा कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है। बाकी इसके अलावा एक रिपोर्ट ये सामने आई है कि 22 अगस्त से 4 सितंबर 2021 तक इंटरनेशनल आर्मी गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए इंडियन आर्मी के 101 मेंबर्स का कंटिंजेंट रशिया जाने के लिए तैयार है, और जो इंटरनेशनल आर्मी गेम्स आयोजित होने वाले हैं इनमें आर्मी स्काउट मास्टर कॉम्पिटिशन, एल्ब्रस रिंग, पोलर स्टार, स्नैपर फ्रंटियर और सेफ रूट जैसे गेम्स इंक्लूड रहेंगे। और इसमें से जो आर्मी स्काउट मास्टर कॉम्पिटिशन है वो रशिया में 22 अगस्त से 4 सितंबर तक आयोजित किए जाने के लिए शेड्यूल किया गया है। आज बीएसएफ द्वारा जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक हाइडआउट को बस्ट किया गया है, और जहां से भारी मात्रा में आर्म्स एंड एम्यूनिशंस बरामद हुए हैं, जिनमें 2 AK-47 राइफल्स, 4 AK-47 मैगजीन, 1 चाइनीज पिस्टल, 10 पिस्टल मैगजीन और ऐसी अन्य चीजें शामिल हैं। और जबकि आज जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से हिजबुल के 2 न्यूली रिक्रूटेड आतंकियों को गिरफ्तार भी किया गया है, और इनके पास से आर्म्स एंड एम्यूनिशंस भी बरामद हुए हैं। और ऑफिशियल्स का कहना है कि 5 अगस्त की रात को उन्हें सूचना मिली थी कि 2 युवा मिसिंग हैं और संभावित रूप से वे मिलिटेंसी एक्टिविटीज में शामिल हैं, और फिर जिसके बाद टेक्निकल इनपुट्स के आधार पर एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया था और इसी ऑपरेशन के दौरान इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और जबकि स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले अमृतसर के एक गाँव में टिफिन बॉक्स बॉम्ब भी बरामद हुआ है जो कि 2 किलोग्राम के RDX के साथ पैक था, और इस बात का पूरा संदेह है कि ये जो टिफिन बॉक्स बॉम्ब है ये पाकिस्तान की तरफ से ही ड्रोन्स की मदद से यहाँ पर ड्रॉप किया गया था। और जबकि आज मणिपुर के तेंगनोपुर डिस्ट्रिक्ट के गांव में असम राइफल्स और मोरे पुलिस कमांडो यूनिट द्वारा चलाए गए एक जॉइंट ऑपरेशन में भारी मात्रा में आर्म्स एंड एम्यूनिशंस बरामद हुए हैं, जिसमें एक AK-56 राइफल, 9 mm की पिस्टल और एक चाइनीज मेड ग्रेनेड भी शामिल है, और ये सारे आर्म्स एंड एम्यूनिशन एक घर से मिले हैं। बाकी कुछ जानकारी अफगानिस्तान से भी सामने आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान के जो ऑफेंसिव एक्टिविटीज हैं वो काफी तेज हो गई हैं, और इसी के चलते अमेरिका की तरफ से B-52 बॉम्बर्स को भी तैनात किया गया है। और अब समय है आज के top 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा और कुछ नई जानकारी भी आपको हासिल हुई होगी। और बाकी आपको लेटेस्ट डिफेंस अपडेट देख के हमने अपना काम तो कर दिया है, लेकिन अब आपकी बारी है वीडियो को लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर उसे ज्वाइन जरूर करें। और बाकी आपको कोई भी सुझाव हो, सवाल हो, कमेंट सेक्शन हमेशा की तरह ओपन है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।